नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। मैं हूं नर्दमन तिवारी और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय LLB 3 ईयर्स कोर्स में सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका अगला पेपर है इन्वेस्टमेंट और कॉम्पिटिशन लॉ का, उसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे विषय हैं, कौन से ऐसे बिंदु हैं जहाँ से आपको 10 महत्वपूर्ण सवाल मिलने हैं। तो जो पुराने वर्षों के पेपर हैं और उनके अध्ययन के बाद और जो आपका इस सिलेबस है इसके अध्ययन के बाद जो 10 बड़े सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण मुझे लगते हैं वो क्या हैं, अपने वीडियो में हम बात करेंगे। आपका जो ये पूरा सिलेबस है जो डिज़ाइन किया गया है 4 यूनिट में है। पहला यूनिट आपका कॉम्पिटिशन लॉ पे बेस्ड है, जिसमें केवल आपको एक एक्ट पढ़ना है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्पिटिशन एक्ट वाला 2002। दूसरा जो आपका दूसरी यूनिट है उसमें आपको सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है 1956 का, सेबी एक्ट है, डिपॉजिटरीज एक्ट है, सरफेसी एक्ट है। तो इसमें आपको 1, 2, 3, 4 एक्ट हैं आपके यूनिट 2 में, और यूनिट 3 में आपका फेरा और फेमा है, और यूनिट 4 में आपका फेमा है। तो कुल मिला के आपको कॉम्पिटिशन एक्ट, SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटी सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और सरफेसी। कुल मिला के आपका जो ये पेपर है सिलेबस आपका बहुत लेंदी सा है। तो क्या ऐसे 10 टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ करके प्रयास किया जाए तो आपको बेहतर अंक हासिल हो सकते हैं और आपको अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं इस पेपर को। तो जो मुझे लगता है, और आपका जो पुराना पेपर रहा है, आपके जो पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर रहे हैं उस पर अगर पहले सवाल की बात करें तो आपको व्हाट आर द पावर्स फंक्शंस एंड कंपोजिशन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर को, फंक्शंस को और उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो 2002 के कॉम्पिटिशन एक्ट से इस्टेब्लिश किया गया, 2002 के एक्ट से, उसमें आपको पावर फंक्शन और ये कंपोजिशन पढ़ना है। दूसरा जो आपका सवाल है वो आपके कॉम्पिटिशन एक्ट से ही दूसरा सवाल है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस का, और मैं कहूँगा अब्यूज ऑफ डोमिनेंस जब आप पढ़ रहे हैं तो सेक्शन 3, 4, 5 तीनों को पढ़ के आइए, और जो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स है और उसमें किस प्रकार से हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट, वर्टिकल एग्रीमेंट, प्रीडेटरी प्राइसिंग, बिड रिगिंग करके जो मतलब वेरियस तरीके दिए हुए हैं कि कैसे कॉम्पिटिशन को प्रभावित करते हैं, बड़ी कंपनीज कैसे प्रभावित करती हैं, तो वहाँ पे आप सारी चीज़ें पढ़िए। बाकी आप अब्यूज ऑफ डोमिनेंस पे आपको विशेष ध्यान दे करके आना है। तीसरे सवाल की अगर बात करें तो आपके सेबी एक्ट से सवाल पूछा गया है बहुत बार, और उम्मीद है कि आपको सेबी एक्ट से भी आपको यहाँ पे सवाल मिल जाए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट से, और आपको सेबी का, जैसे आपको कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के विषय में पढ़ना है वैसे आपको सेबी के बारे में पढ़ना है कि सेबी का जो पावर है वो कहाँ के, उनका जो नेचर है उसका स्कोप क्या है और क्या फंक्शंस हैं, क्या पावर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आपको सेबी के विषय में कायदे से पढ़ना है। सेबी के एक्ट का प्रयास करिए कि आप एक उसका ओवरव्यू ले करके आइए, उसके साइलेंट फीचर को पढ़ के आइए। कई बार साइलेंट फीचर का सवाल आया है तो साइलेंट फीचर के विद इन ही आपको पावर फंक्शन सब मिल जाएगा, तो आप प्रयास करिए कि साइलेंट फीचर के तौर पर पढ़ के आइए ताकि आपको ढेर सारे सवाल, कुछ भी सवाल जो आपको सेबी से आने वाले मिल जाए। सरफेसी एक्ट का भी साइलेंट फीचर आपको पढ़ने की जरूरत है, और सरफेसी एक्ट में एक सवाल पूछा जाता रहा है कि डू यू एग्री दैट द एक्ट हैज सक्सीडेड इन रिकवरी एंड मैनेजमेंट ऑफ NPAs, क्या NPAs के रिकवरी में और मैनेजमेंट में ये जो सरफेसी एक्ट है ये कारगर साबित हुआ है या नहीं। तो आपको आप जब सरफेसी एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि इस एक्ट की क्या भूमिका रही है अब तक और इससे क्या लाभ हुआ है। सरफेसी से आगे बढ़ते हैं तो SCRA एक्ट है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है 1956 का, और जो भी प्रोविजंस हैं रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के जो भी रेगुलेशन और कंट्रोल को लेकर के SCRA में प्रोविजंस दिए हैं, उन प्रोविजंस को आपको खूब कायदे से पढ़ने की जरूरत है। अगला आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर के बारे में आपको पढ़ना है कि ज्वाइंट वेंचर को इंडिया में रेगुलेट कैसे किया जा रहा है और ज्वाइंट वेंचर के लिए क्या सारे नियम रूल क्या हैं, क्या बनाए गए हैं। अगला सवाल जो आपका है UNCTAD, जो यूनाइटेड नेशन का जो ये ड्राफ्ट है, तो इसका साइलेंट फीचर क्या है, और ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का जो आपस का जो लेन देन है, जो भी एक्सचेंज है, वो कैसे यहाँ पे गवर्न हो रहा है, तो वो UNCTAD का जो ड्राफ्ट है, मॉडल ड्राफ्ट है, आप उसको पढ़ करके आइए। अगला सवाल आपका फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 से है कि फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट रहे हैं उसके, उसको डिस्कस करिए डिटेल में, और कई बार इसके साथ आपको एक कंपैरिजन सा पूछा गया है कि इसके पहले कौन सा एक्ट था, उससे उसमें क्या सफलताएं रहीं जो इस एक्ट को लाना पड़ा, ऐसे करके सवाल रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको उसकी हिस्ट्री में जाने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अगला सवाल आपका फेरा और फेमा का, दोनों का।
तो फेरा और फेमा को प्रयास करिए कि साथ में पढ़िए, कुछ बहुत विशेष अंतर नहीं किया गया है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, रेगुलेशन से लेकर के मैनेजमेंट तक का जो सफर है वो किस वजह से हुआ है, क्या ऐसे अंतर आए हैं मूलभूत जिसकी वजह से एक्ट अब पावरफुल है, तो फेरा और फेमा की एक कॉम्परेटिव स्टडी करने की ज़रूरत है। और जब आप फेमा पढ़ रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, जो चालू व्यवहार खाता वगैरह है, तो उसको खूब कायदे से पढ़िए। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन पर बहुत बार सवाल आए हैं। और जो अंतिम सवाल है मुझे लगता है आपके लिए, अथराइज पर्सन कौन है और कैसे अथराइज पर्सन का अपॉइंटमेंट होता है, आरबीआई को कैसे एप्लीकेशन देना होता है, आरबीआई किस चीज़ की जांच पड़ताल करके अथराइज पर्सन आपको घोषित करता है, और आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आरबीआई कैसे इंस्पेक्ट कर सकता है इन अथराइज पर्सन को। तो आपके जो इन्वेस्टमेंट और कॉम्पिटिशन लॉ वाला जो पेपर है उसमें आपको आपके लिए 10 बड़े सवाल हैं, 10 महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक बार मैं फिर से दोहरा दूँ कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर फंक्शन कंपोजिशन को आपको कायदे से पढ़ना है, कॉम्पिटिशन एक्ट को उसका जो हिस्ट्री रही है, कॉम्पिटिशन एक्ट को किस एक्ट के जगह पर लाया गया, उस एक्ट का क्या फेलियर रहा, अगर आप वो पढ़ करके आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लिखने में आसानी रहेगी। दूसरा सवाल आपका जो है वो है मीनिंग ऑफ डोमिनेंट पोजीशन और व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच अ कॉर्पोरेशन अब्यूजेस इट्स डोमिनेंट पोजीशन, कब कहा जाएगा कि एक कॉर्पोरेशन की डोमिनेंट पोजीशन है मार्केट में, रेलिवेंट मार्केट में, और कब ये माना जाता है, किस प्रकार से वो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस करते हैं, कैसे वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट करते हैं, कैसे वो हॉरिजॉन्टल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, कैसे वो वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट करते हैं, बिड रिगिंग क्या है, प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या है, इन सारी चीज़ों को आप कायदे से पढ़िए। अगला सवाल आपका सेबी एक्ट से है और सेबी एक्ट को साइलेंट फीचर के तौर पर पढ़िए, और सेबी एक्ट के जब भी आप साइलेंट फीचर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जब भी पावर पढ़िए, आप फंक्शंस पढ़िए, कैसे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं, तो वहाँ पे उस चीज़ को हाईलाइट करके और फिर पढ़िए। अगला सवाल आपका सरफेसी एक्ट से है कि सरफेसी एक्ट के साइलेंट फीचर क्या रहे हैं और क्या सरफेसी एक्ट जो है वो क्या एनपीएस के मैनेजमेंट को कुछ सुधारने में कायम हुआ, कुछ व्यवस्था में बदलाव ला पाया है या नहीं। अगला सवाल आपका है सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से और स्टॉक एक्सचेंज में रेगुलेशन, स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशन को लेकर के क्या इसमें व्यवस्था है, और जॉइंट वेंचर का सवाल, कैसे जॉइंट वेंचर इंडिया में रेगुलेट किया जा रहा है उसको लेकर के क्या नियम कायदे वगैरह हैं, तो जॉइंट वेंचर के विषय में पढ़ना है आपको। अगला सवाल है आपका अंकटाड UNCTAD का जो साइलेंट फीचर है और क्या उसका ड्राफ्ट वगैरह रहा है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी, उसको पढ़ना है। अगला सवाल आपका है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 से और इसको डिस्कस, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको डिटेल में डिस्कस करना होता है। अगला सवाल आपका फेरा और फेमा को लेकर के है, दोनों को कंपेयर करके पढ़िए और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का जो अंतर है उसको कायदे से पढ़ के आइए। और अंतिम सवाल आपका जो अथराइज पर्सन को लेकर के है, ड्यूटीज़ क्या है अथराइज पर्सन की और कैसे आरबीआई कैसे इनको इंस्पेक्ट करता है और किन चीज़ों को देखने के बाद इनको लाइसेंस देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट और कॉम्पिटिशन एक्ट के इन 10 सवालों को अगर आप पढ़ करके आते हैं तो आपके लिए अपना प्रश्न का जवाब लिखना बहुत ही आसान होगा और सुलभ होगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, उन सभी लोगों को जो कल इन्वेस्टमेंट और कॉम्पिटिशन लॉ के पेपर में अपीयर हो रहे हैं, और जुड़े रहिए हमारे साथ अपने नए वीडियो में। अगले वीडियो में मैं नए विषय के 10 महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके पास जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद, प्रणाम।